आपका एक नेक्स्ट टॉपिक जो ऑप्टिकल फाइबर में रहता था वो है एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस एंगल करने के लिए हमने क्या कहा, थीटा मैक्सिमम इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द फाइबर कोर सो दैट साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। देखो साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन कहाँ से आया, हमें पता है कि स्नेल्स लॉ ने क्या कहा था, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। और आपको क्या करवाना है, एक्सेप्टेंस एंगल की कंडीशन में आपने क्या, थीटा मैक्सिमम इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल। ये वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, जब साइन ऑफ आर की वैल्यू क्या हो, मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू फॉर साइन आर इज वन, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास क्या बचा, सिर्फ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम वॉज क्रिटिकल एंगल दैट वॉज थीटा सी शुड बी इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब हमने क्या कहा, अगर हम बात करें कॉस थीटा सी की, तो कॉस थीटा सी को लिख सकते हो अंडर द रूट ऑफ वन माइनस साइंस स्क्वायर थीटा सी, साइंस थीटा सी की वैल्यू म्यू टू अपॉन म्यू वन, तो वन माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन का स्क्वायर, ठीक है। देन इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट दिस वन। नाउ अब हमें बात करनी थी साइन थीटा मैक्सिमम की, तो साइन थीटा सी की जगह हम लिखा साइन थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू नॉट इन टू में, ये जो आपने इक्वेशन निकाली है इसी को सिंप्लीफाई करके आपको ये वाला वर्जन आ गया, ठीक है। सॉरी ये वाला वर्जन नहीं, एक्चुअल में ये वाली इक्वेशन आई है आपकी क्रिटिकल एंगल कॉन्सेप्ट से। देखो आपने क्या किया था, क्रिटिकल एंगल कॉन्सेप्ट में आपकी एक इक्वेशन ये आई थी लास्ट में, साइन थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू नॉट कॉस थीटा सी, ठीक है। तो हमने क्या किया, साइन थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू नॉट, और कॉस थीटा सी की वैल्यू जो आपने ये निकाली है ये हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट की, देन इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। अब हमने कहा इफ़ द मीडियम फ्रॉम वेयर लाइट एंटर्स द फाइबर कोर इन एयर इज म्यू नॉट, अगर आपके एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन है, तो आपकी ये जो साइन थीटा मैक्सिमम की इक्वेशन है वो इस तरह से चेंज हो जाएगी। हैंस हमने क्या कहा, थस इफ अ कॉन ऑफ लाइट इज इंसीडेंट ऑन वन एंड ऑफ फाइबर इट विल बी गाइडेड थ्रू इट, मतलब कॉन फाइबर के किसी एंड से अगर आप लाइट को एक कॉन की फॉर्म में इंसीडेंट करोगे तो वो इससे गाइड हो जाएगी, प्रोवाइडेड द सेमी एंगल ऑफ कोर इज लेस देन थीटा मैक्सिमम। कंडीशन क्या है कि जो सेमी एंगल ऑफ कॉन है, देखो ये अगर हम इसको कॉन माने तो सेमी एंगल मीन्स दिस एंगल ऑफ कॉन इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आपका एंगल हो जाता है तो टी आई आर हैपन नहीं होगा। दिस एंगल इज मेजर्ड इज अ मेजर ऑफ लाइट गैदरिंग पावर ऑफ फाइबर एंड इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस एंगल। ये जो एंगल है इसी को हम बोलते हैं इट इज़ अ मेजर ऑफ लाइट गैदरिंग पावर ऑफ फाइबर एंड इट इज़ कॉल्ड एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है। अब हमने क्या कहा, हैंस एक्सेप्टेंस एंगल मे बी डिफाइंड एज अ मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट अ लाइट रे कैन मेक विद द एक्सेस ऑफ फाइबर, ठीक है। ब्लर हो रहा है थोड़ा, इसीलिए मैं रुक गई हूँ, एक मिनट रुको। हमने क्या कहा कि एक्सेप्टेंस एंगल को किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए लाइट रे कैन मेक विद द एक्सेस ऑफ फाइबर सो दैट इट मे कंटिन्यू टू प्रोपेगेट थ्रू द फाइबर, ताकि लाइट जो है इस फाइबर के अंदर से कॉन्टिन्यूली प्रोपेगेट कर सके, एंड इज डिटरमिन्ड बाय क्रिटिकल एंगल थीटा सी एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस। जो आपको पूरा टॉपिक समझाया उससे यही कंक्लूड होता है कि एक्सेप्टेंस एंगल वो थीटा इंसिडेंस की मैक्सिमम वैल्यू है जिसको हम थीटा सी यानी क्रिटिकल एंगल कहते हैं, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इंसिडेंट लाइट को जब एयर से फाइबर की साइड इंसिडेंट किया जाएगा तो लाइट जो है वो फाइबर के थ्रू प्रोपेगेट कर सकती है, ठीक है। तो ये आपको करना है, एक एक्सेप्टेंस कॉन भी आप रीड कर लेना, दैट इज ऑल द लाइट रेज कंटेन्ड इन द कॉन हैविंग वर्टेक्स एंगल टू बी टू थीटा मैक्सिमम आर एक्सेप्टेड एंड ट्रांसमिटेड अलोंग द फाइबर एंड दिस कॉन इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस कॉन। देखो यहाँ पर अगर ये वैल्यू थीटा सी थी मैक्सिमम, तो वर्टेक्स के ऊपर जो मैक्सिमम कॉन में देखा उन्होंने कहा टू टाइम ऑफ थीटा सी, तो उन्होंने यही कहा कि ये जो कॉन है वर्टेक्स के एंगल साथ एंगल बनाएगा टू थीटा मैक्सिमम आर एक्सेप्टेड, इस एंगल पे आप जो भी रेडिएशन डालोगे वो एक्सेप्ट होंगी एंड ट्रांसमिटेड अलोंग द फाइबर, फाइबर के अलोंग ट्रांसमिट करेंगी एंड दिस कॉन इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस कॉन, ठीक है। साइज ऑफ एक्सेप्टेंस कॉन इज अ फंक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन फाइबर्स कोर एंड क्लैडिंग,
ऑब्वियस है, अभी आपने पीछे देखा ये कि थीटा सी जो आपने निकाला वो म्यू टू म्यू वन म्यू नॉट का फंक्शन है, मतलब कि वो क्या है, सरफेस डिपेंडेंट है कि आपका किस टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बन रहा है, कोर एंड क्लैडिंग का, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्टिकल फाइबर कंप्लीट होता है।